गानों के जरिए हम उन रागों तक और भी आसानी से पहुंच पाए, ये इसका बेसिक मोटो है। तो सर्च के सॉन्ग ब्रेकडाउन स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली बार जैसे हमने मुस्कुराहट पे वीडियो किया था, तो आज एक नया गाना वैसे पुराना ही है, पर उसमें मुझे लगता है कि मैं ऐसे गाने चूज़ करता हूँ कि जिसमें एक 3-4 राग एटलीस्ट एक्सप्लोर कर पाओ, और उसका ब्लेंड भी अच्छे से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग डिफरेंट रागास वो कंपोज किया। तो ये भी ऐसे ही गाना है कि जो राग यमन कल्याण और बहुत सारे अलग अलग राग है उसमें है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहचाना होगा कि अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस उस पर बनाए हैं, अलग अलग कवर्स बनाए हैं, पर वही देख रहा था मैंने कि किसी ने इस तरीके का वीडियो बनाया तो वो नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मोह मोह के धागे पे ये ऐसे वीडियो बनाया जाए ताकि उसका एक अलग एंगल आपके सामने रख पाओ। तो ये राग बेसिक जो राग है वो है यमन कल्याण। तो वो यमन कल्याण, यमन और यमन कल्याण में क्या फर्क है वो पहले बताता हूँ आपको। सा निरे गा मा पा रे गा। उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यमन कल्याण पे मैंने इन सर्च में ही शुरू में एक एपिसोड किया है, 2-3 किए हैं, तो उसकी लिंक मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ, वो प्लीज़ देखिए। जिनको यमन कल्याण राग में इंटरेस्ट है वो वीडियोस देखिए, उसमें अलग अलग बंदिशें मैंने एक्सप्लोर की है ताकि आपको एक यमन कल्याण राग क्या है वो पता चले। और फिर इन गानों के ज़रिए हम उन रागों तक और भी आसानी से पहुंच पाएँ, ये इसका बेसिक मोटो है। तो निरे गामा बारे गा, तो यहाँ पे जो शुद्ध मध्यम है उसकी वजह से वो राग यमन कल्याण होता है, तो उसमें शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग होता है, वैसे ही इस गाने में किया है। तो ये मोह मोह के रागे दरा 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 दरा, कोई डोह डोह ना लागे दरा 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 दरा। तो निरे गा मा रे सा ने, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम ये दोनों भी यमन कल्याण में आते हैं। तो इस वजह से ये राग, ये जो गाना है वो बेसिक उसकी जो ट्यून है वो यमन कल्याण हो जाती है। तो एक बार मैं शब्द फिर से एक बार देख लेता हूँ। ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जाऊंछे, कोई तो इस तरह सुलझे। अभी जो दूसरी लाइन है ये है राग यमन कल्याण। अभी इसके बाद जो आता है वो देखिए राग, ये रोम रोम एक तारा पगमा। पुरिया धनश्री और यमन में खास चीज है कि दोनों का अंग से मैं सिर्फ उसमें रे और ध ये कोमल हो जाता है, और ये पूरे धनश्री। तो देखिए ये मेरे गम भम गरे गम नि सा नि ध पम ध पम गरे सा ये यमन है, तो फिर इसमें सिर्फ निरे गम भम गरे गम नि सा नि ध पम ध पम गरे सा,
और इसका यमन का सिर्फ यमन में ऋषभ और धैवत कोमल करने से राग पूरिया धनुष बन जाता है, तो एक अच्छा यहाँ पे ब्लेंड हमें दिखता है। तो ये रोम रोम एक तारा, ये रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, तो पायल झनकार मोरे, पायल झनकार। इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा धनुष्य की बहुत पॉपुलर बंदिश है, तो उससे आपको राग पूरा धनुष्य समझ में। रोम रोम एक तारा भगवान निधरे निधर, फिर से ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जल जाए, रे गा रे यमन कल्याण और पूर्या धनुष। अस्थाई गाने की जो फर्स्ट पार्ट है अस्थाई में इन दोनों रागों का अच्छे से इस्तेमाल किया, अच्छे से ब्लेंड भी किया। अभी जो अंतरा है उसमें देखिए, फर्स्ट लाइन जो अंतरे की है उसमें तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है तो इसको अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो भूप में जब निषाद और तीव्र मध्यम लगता है तो वो होता है राग शुद्ध कल्याण। तो ये शुद्ध कल्याण की श्रेणी यहाँ पे अच्छे मुझे दिख रही है। नॉट नेसेसरी मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपोजर को इन बारे में जानकारी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, पर वो ये देख के नहीं करते, पर मुझे ऐसे दिखता है और मुझे ये लगता है कि इस लाइन को अगर रागों के हिसाब से अगर देखा जाए तो राग संगीत भी प्यारा लगने लगेगा। ये राग शुद्ध कल्याण की बहुत ट्रेडिशनल प्यारी बंदिश है, आप उसको सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारे पंडित भीमसेन जोशी जी की भी है ये मौन दरबार। अभी फिर से बैक टू तो होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। अब इसके बाद तारा रा रा रा, फिर से पूरा धनुष तारा रा रा। फिर से पूरे धनुष के बाद तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ, थोड़ा मैं मेरे हिसाब से उसको एक्सप्लोर करता हूँ। Thank you.
ये था राग यमन, यमन कल्याण, पूर्या धनाश्री, फिर थोड़ी सी शुद्ध कल्याण की शेड। इस तरीके से ये राग मोह मोह के धागे में इन सारे रागों की शेड्स दिखती है। जैसे मैंने कहा कि आपको भी कुछ राग कुछ गाने ऐसे लगते हो कि हाँ इसमें कौन सी, हाँ डेफिनेटली उसमें तीन चार राग रागों की शेड होनी चाहिए, तब हम उसको एक्सप्लोर करने में उसको मज़ा भी आएगा। और भी कुछ आपके सवाल है तो ज़रूर भेजिए, मैं उनको मेरे हिसाब से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप लिसनिंग गुड म्यूज़िक एंड ऑल्सो क्लासिकल म्यूज़िक। सी यू, बाय।